हस्बैंड को आज जल्दी जाना है, तो 3 बजे हम लोग उठे थे। चाय के साथ ये चौकड़ी रोटी रख देते हैं रात में घी में अच्छे से। देखिए इसको चौकड़ी रोटी बोलते हैं, तो मतलब सुबह अच्छा नाश्ता हो जाता है। और वैसे भी पहले तो चाय के साथ रोटियां ही खाई जाती थी, तो ये अच्छे से घी में मतलब तर होती है, तो बड़ी अच्छी लगती है सुबह सुबह चाय के साथ। तो टोस्ट और फैन बिस्किट कुछ भी लो। ये जाने की तैयारी हो गई, मैं वही पूछ रही थी, सब कुछ लिया नहीं दिया है। कान का लिया अपना चार्जर फार्जर। चार्जर डाल दिया। ये बड़े के थे, बुलाया होगा से तब आया होगा। उधर चल, था नहीं ये भी इधर। अंदर कहाँ, इतना ठंडा मौसम है। बाहर कितना ठंडा मौसम पड़े होगी माँ, मतलब गली में कोई दरवाजा खुलेगा तो चौधरी ये देखने जाएगा। हाँ, तो चौधरी गली का है सबसे पहले तो जाएगा है, तेरे वहाँ की गली है। ये तो जाता नहीं, ये तो आलसी है। दूध पिलाओ, दूध दो, रुक जा रहा है। और सारे आए हो क्या, हूँ हूँ सुरा हुआ, कोई निकल के आया। जाके सो भी, सुबह 4 बजे अभी। गुड्डू मेरी गुड्डू, ओ मेरी गुड्डू, ओ मेरी गुड्डू। खाएगा या जो तेरी फोटो ले रही हूँ। मेरी गुद्दी है। दूध पीने रुक जा, दूध लाऊँ। बैठ बाहर, बाहर बैठो, बैठ जा बाहर, बाहर बैठ। बाहर बैठ, के अंदर आ जाते हैं। इन सबके बर्तन, गुड्डू बाहर बैठ जा, ला रही हूँ। गुड्डू ओ गुड्डू, गुड्डू पिएगा चुटको। सुबह के 4:15 का टाइम हो रहा है, और ये दोनों बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा, वहीं रहते हैं। ये गुड्डू है तो दूध पीता है केवल, चुटको तो खैर सब खाता है। कमजोर हैं, देते हैं दूध वगैरह, पर
इतनी कमज़ोरी है। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी पी रहा है। तो चार पांच लोग हैं, इसकी माँ है, गुड्डू जो है इसका मामा है। तो सुबह मैंने सोचा कि वॉक भी कर लेते हैं, तो गली में ही मैंने चक्कर काटना शुरू करे और ये दोनों मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। तो काफ़ी देर साथ में ही रहे, जहाँ मैं बैठी तो बैठ गए। और एक्चुअल में मेरा जो एलओए वाला चल रहा था शेड्यूल, उसको मैंने करना शुरू करा। ये जो वॉक थी, ये ग्रैटिट्यूड वॉक थी, वो मैं कर रही थी, आधा 15 मिनट की होगी। देन उसके बाद मैंने 15 मिनट का मेडिटेशन किया, जो कि गाइडेड मेडिटेशन था, जो कि बिल्कुल फ्लो में चल रहा था। देन उसके बाद 15 मिनट मैंने राइटिंग करा, कुछ अफर्मेशंस, कुछ डिक्लेरेशन लिखे, जो कि बहुत ज़रूरी है, अच्छा माइंडसेट रहता है ऐसा करने से। जो एलओए का जो भी रिचुअल्स हैं, उसके ग्रैटिट्यूड वॉक, योगा, राइटिंग, और फिर थोड़ा सा अपने आप, मतलब सेल्फ इनर जो टॉकिंग होती है वो करनी होती है। तो मैं जो भी मेरे अंदर, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास ज़्यादा, ये तो चलो आज मैं उठी थी, सबके साथ तैयारी थी, सबसे इंट्रैक्शन हुआ। जब आप अकेले उठते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से काम करती हैं। देन उसके बाद फिर मैंने 15 मिनट का ये सूर्य नमस्कार, ज़्यादा नहीं कर पाती, 2 या 3 सूर्य नमस्कार मैं कर रही थी उस दौरान, अभी तो छूट गया है, लेकिन ये सब करके बड़ा अच्छा सा फील होता था। तो आई डोंट नो, एक आध दो स्टेप अगर गलत होंगे तो मैंने उस समय किया था जब वो गाइडेड हमें करवाया गया था एलओए की प्रैक्टिस में, तो उस दौरान इतना अच्छा, मतलब कुल मिला के बड़ा अच्छा लगा था। उस समय ऐसा लग रहा मेरे चेहरे पे अलग ही ग्लो, उस समय 10 सूर्य नमस्कार किए थे और इतना स्वेटिंग हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सोच रही हूँ फिर से रूटीन कर दूँ, ये तो रैंडम कर लेती हूँ कभी कभी, अगर जैसे इनको जल्दी जाना होता है, जल्दी उठती हूँ उस दिन, तो फिर ये है। क्योंकि इस दौरान ये या तो एज फैक्टर है या क्या चीज़ है, चीज़ें जो है ना डिस्ट्रैक्ट, माइंड जो है बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगा है, तो उसको एकाग्र करने के लिए आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है, योगा वगैरह करना। कहते हैं ना योगा से ही होगा, बाबा रामदेव कहते हैं। तो ये मैंने 3 या 4 ही बस शायद करे होंगे, हार्डली इतने ही कर पाती हूँ जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो ये एक रैंडम सा रूटीन होता है जब इन्हें कहीं बाहर जाना होता है। सो ये स्थिति है अभी मेरे कमरे की, एंड आई एम गोइंग टू चेंज इट। लेट्स सी कि मैं क्या चेंज कर पाती हूँ और क्या नहीं। इधर फिल है, ये फिल है, और इधर पानी आता है बरसात का, तो ये बाल्टियाँ और टब रखे हुए हैं। सो मैं कुछ चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं।